दोस्तों बिहार में प्राइमरी और हायर सेकेंडरी स्कूलों के लिए हेडमास्टर और हेड टीचर के लिए खाली पड़े पदों को भरने के लिए भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इन पदों पर निकाली गई भर्तियों के लिए 11 मार्च से आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत की जाएगी, जिसकी अंतिम तिथि 2 अप्रैल है और दोनों पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन BPSC की ऑफिशियल वेबसाइट https://bpsc.bihar.nic.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होने पर अप्लाई कर सकते हैं और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से हेडमास्टर और हेड टीचर और मास्टर भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 2 अप्रैल 2024 तय की गई है। BPSC की तरफ से हेडमास्टर और हेड टीचर के पदों पर जारी की गई भर्तियों में हेडमास्टर के 6061 पदों और हेड टीचर के 40247 पदों पर भर्तियां निकाली गई है। हेडमास्टर के पदों पर निकाली गई कुल भर्तियों में 1340 पद जो हैं जनरल कैटेगरी के हैं, 576 पद EWS कैटेगरी के, 1283 पद जो हैं SC कैटेगरी के और 128 पद ST के, 1595 पद जो हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी EWC के और 1139 पद जो हैं पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं। वहीं हेड टीचर के पदों पर जारी की गई कुल 40247 भर्तियों में 428 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रखा गया है और 841 पद अनुसूचित जाति यानी SC, 808 पद अनुसूचित जनजाति यानी ST, 10056 पद अति पिछड़ा वर्ग यानी OBC के लिए और 7245 पद इसमें पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। तो दोस्तों इसी आधार पर बिहार में हेडमास्टर और हेड टीचर पदों पर वैकेंसी भरी जाएगी। तो दोस्तों इस खबर में इतना ही। बिहार से संबंधित हर एक महत्वपूर्ण अपडेट को पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबा लें।